सरकार भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लाख दावे करे, लेकिन तस्वीरें इससे जुदा है। आजादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, पक्की सड़क को तरस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से सामने आया है, जहां 4 ग्राम पंचायत के लोग मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे, जहां ना तो स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था है, ना ही पीने के लिए अच्छा पानी। ग्रामीण बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर है। देखिए खास रिपोर्ट। मूलभूत सुविधाओं को तरसते रहे सीहोर जिले के ग्रामीण। सीहोर जिले के 4 गांव से विकास कोसों दूर। बिजली, पानी और पक्की सड़क की सुविधा तक नहीं। 1 किलोमीटर दूर जंगल में पानी भरने जाती है महिलाएं। बारिश के दिनों में जिला मुख्यालय से टूट जाता है गांव का संपर्क। 10 किलोमीटर तक खटिया पर लादकर मरीज को लाते हैं अस्पताल। विकास के दावों की पोल खोलती है तस्वीर सीहोर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हथियाखेड़ी की है। ग्राम पंचायत हथियाखेड़ी में आने वाले गांव चित्रावली, बुगली, बाली, इमलिया, भोज और भट्टा, ये गांव 4 ऐसे गांव हैं जहां आज तक सरकार ने ना तो पक्की सड़क बनवाई, ना बिजली की व्यवस्था करी और ना ही पानी की सुविधा दे सकी। इन 4 गांव में सिस्टम को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिलता है। ग्रामीणों ने बताया कि इन गांवों में पीने के पानी की दिक्कत इतनी है कि यहां की महिलाएं लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी भरती है। आसपास जंगल एरिया लगा हुआ है, महिलाएं पानी भरने जाती है तो अनहोनी का डर भी हमेशा बना रहता है। हमारे यहां रोड नहीं है, हमारे लाइट भी नहीं है, हमारे यहां स्कूल जो है मार साहब आते हैं वो परेशानी में आते हैं, गीले में डिलीवरी होती है तो हम पलंग पे रख के ले जाते हैं, चारपाई पे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना हुआ है साहब हमें। लाइट भी नहीं है, रोड भी नहीं है और पम्प भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। स्कूल नहीं है? नहीं है। आप जाती स्कूल? हाँ, बहुत दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर। अब क्या करें, डर के मारे नहीं जाते हैं साहब। अब सब महिला इकट्ठी होकर इसके बाद में जाते हैं पानी भरने के लिए, डर लगता है, बहुत दूर से पानी लाते हैं। जंगल में डर नहीं लगता? डर लगता है, इसी वजह से तो सब महिला जाती है साथ में, डर के वजह से। अब नहीं जाते फिर घर पानी कैसे पिए, फिर पानी तो पीना पड़ेगी जरूर। इन 4 गांव में पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव में आने जाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। इस रास्ते पर बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल के अलावा अन्य कोई वाहन नहीं चल सकता। बारिश के दिनों में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो लगभग 10 किलोमीटर तक लोग बीमार व्यक्ति को खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाते हैं। या फिर यूं कहें कि बारिश के दिनों में इन 4 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह टूट जाता है। हैरत की बात तो ये है कि इन गांव में अभी तक बिजली कनेक्शन तक नहीं है, जिससे लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। स्कूल के नाम पर केवल चित्रावली गाँव में प्राथमिक शाला है। स्कूल की स्थिति भी बदहाल है, स्कूल में बिजली ही नहीं है और केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि गांव में पक्की सड़क नहीं होने से बारिश में शिक्षक यहां नहीं आ पाते, जिससे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती। जब इस पूरे मामले को सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह के संज्ञान में लाया गया तो कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि मैं स्वयं शुक्रवार को इन ग्रामों में जाऊंगा और सभी समस्याओं का निदान करूंगा। मीडिया के साथियों ने मुझे बताया कि हथियाखेड़ा के कुछ आश्रित गांव हैं, इमलिया भोज, इमलिया खेड़ा, इमलिया चोर, इमलिया पटाहा और ये जो है अहमदपुर के आगे हैं और यहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी मीडिया के साथियों ने बताई है। तो मैं ये मामला संज्ञान में भी ले रहा हूं और मैं स्वयं जो है शुक्रवार को 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँचूंगा गाँव में और मेरे साथ में पूरे जिले के अधिकारी भी रहेंगे और जो भी सुविधाएं गाँव वालों को मिलनी चाहिए, जो जो संभव है, जो जो हमारे बजट की सीमाओं में है, और यदि शासन को भी स्पेशल बजट प्रस्ताव बना उनको भेजना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे इस गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं गांव के लोगों को मिल पाए। तो शुक्रवार को 12 बजे जो है मैं ये हथियाखेड़ा पंचायत के इन गाँव का भ्रमण भी करूंगा, मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी रहेगी। इन गाँव वालों की यह दास्ता सुनकर सीहोर कलेक्टर ने संवेदनशीलता तो दिखाई और इनकी समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन भी दिया, मगर आजादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाली की ऐसी तस्वीरें मिलना कई बड़े सवाल को जन्म देती है और ये तस्वीर सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल या निशाना खड़ा करती है। बहरहाल अब देखना खास ये होगा
कि बरसों से सरकार की तरफ से आशा की दृष्टि से देखने वाले इन गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान होता है या नहीं। सीहोर से संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। प्रमुख समस्या है सर, रोड की समस्या है। जैसे बारिश होती है तो मेरे को भी आने जाने में दिक्कत होती है। ये लोग थोड़ी दूरी दूरी पे बसे हैं तो किसी के यहाँ भी आने जाने में व्यवस्था नहीं है सर। रोड के यहाँ मैं पैदल ही आता हूँ सर, 5 किलोमीटर में पैदल आता हूँ। बरसात समस्याएं यहाँ यहाँ तो रोड भी नहीं है, ना बरमे का पानी है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। हर चीज की दिक्कत आती है। रोड नहीं है, गांव पूरा कचरे में पड़ा है, टपरा टपर ये बहुत है। यहाँ कुटी मिल नहीं रही है, जो शासन से आता है वो कुछ मिलता ही नहीं है हमें यहाँ पे। हमारा गांव ने तो रोड है सर, और जिधर जाते हैं उधर 15 किलोमीटर कच्चा मिलता है। हम जिधर जाते हैं उधर रोड नहीं है, चौपेर परेशान है, पानी से भी परेशान है। और इसके बाद में डिलीवरी अगर भरी बरसात में हो जाए तो वो औरत मरेगी बचेगी नहीं। समस्या ये है कि न तो रोड है गाँव पर, न बिजली है, न पीने का पानी है। इसके बाद हम परेशान है कुल मिला के। न सरकार सुन रही, न सरपंच सुन रिया, न कलेक्टर सुन रिया। आवेदन भी कर चुके हैं,